स्पोर्ट्स स्टोरी में तमाम लोगों का इस्तकबाल है। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2020 में जीत से आगाज किया, चेन्नई सुपर किंग्स को 16 रन से हराया। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2020 का चौथा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान की टीम ने चेन्नई को 16 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस को हराकर अपना दूसरा मैच खेलने उतरी एमएस धोनी की कप्तानी वाली टीम आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज कर रही राजस्थान रॉयल्स से हार गई। शारजा के मैदान पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। धोनी का ये फैसला सही साबित हो ही रहा था कि संजू सैमसन ने छक्कों की बारिश कर दी। राजस्थान की टीम ने संजू सैमसन और कप्तान स्टीव स्मिथ की निस्फ सेंचुरी के दम पर 217 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में चेन्नई की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 200 रन बना सकी और मैच 16 रन से हार गई। मैच में धोनी ने लगातार 3 छक्के लगाए। राजस्थान रॉयल्स के लिए जॉस बटलर की गैर मौजूदगी में खुद कप्तान स्टीव स्मिथ ओपनिंग करने उतरे। जायसवाल अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे थे, लेकिन 6 रन के स्कोर पर दीपक चार का शिकार बने। मायूस होकर जायसवाल को वापस लौटना पड़ा। इसके बाद संजू सैमसन बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने स्मिथ के साथ 60 रन से ज़्यादा रन की साझेदारी की। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने महज 19 गेंदों में अपनी निस्फ सेंचुरी पूरी की। उनके कैरियर की ये 10वीं आईपीएल 50 थी। 32 गेंदों पर 9 छक्कों और 1 चौके की मदद से वो 74 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे डेविड मिलर तेज़ी से रन चुराने की कोशिश में रन आउट हुए। तजुर्बेकार रॉबिन उथप्पा महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। टीम का 5वां विकेट राहुल तेवटिया के रूप में गिरा। 10 रन बनाकर सैम करन की गेंद पर वो LBW हुए। इसके ठीक बाद रियान पराग MS धोनी के हाथों कैच आउट हुए। स्टीव स्मिथ को सैम करन ने केदार जाधव के हाथों कैच आउट करवाया। 218 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम के लिए मुरली विजय और शेन वॉटसन ने शुरुआत की। दोनों ने पहले 5 ओवर में बिना विकेट गवाए 36 रन जोड़े। राहुल तेवटिया ने वॉटसन को 33 रन पर बोल्ड किया। इसके बाद मुरली विजय 21 रन पर श्रेयस गोपाल का शिकार बने। चेन्नई का तीसरा विकेट सैम करन के रूप में गिरा। इसके ठीक बाद ऋतुराज गायकवाड़ को राहुल तेवटिया ने खाता भी नहीं खोलने दिया। 16 गेंदों पर 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे केदार जाधव को टॉम करन ने संजू सैमसन के हाथों कैच करवाया। फॉफ डुप्लेसिस ने लगातार आईपीएल 2020 में दूसरी 50 ठोकी। महज 29 गेंदों में 1 चौके और 5 छक्कों की मदद से 55 रन बनाए। हालांकि डुप्लेसिस 37 गेंदों में 1 चौके और 7 छक्कों की मदद से 72 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। वहीं MS धोनी ने आखिरी ओवर में लगातार 3 छक्के लगाए। धोनी 17 गेंदों में 29 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस मुकाबले में संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच मुंतखब किया गया। CSK की प्लेइंग 11 में मुरली विजय, शेन वॉटसन, फॉफ डुप्लेसिस, ऋतुराज गायकवाड़, केदार जाधव, MS धोनी कप्तान और विकेटकीपर रविंद्र जडेजा, सैम करन, दीपक चहर, पीयूष चावला और लुंगी नगीडी शामिल हैं। राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में यशस्वी जायसवाल, रॉबिन उथप्पा, संजू सैमसन विकेटकीपर, स्टीव स्मिथ कप्तान, डेविड मिलर, टॉम करन, रियान पराग, श्रेयस गोपाल, जोफ्रा आर्चर, राहुल तेवटिया और जयदेव उनादकट शामिल हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ की सारी अपडेट्स मिलती रहें। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।